पहुंचे हैं आपके गांव में, कैसा लग रहा है आपको, कैसा महसूस कर रही हैं? मैं बहुत खुश हूँ इतने लोग को देख के। पहले मैं सबको थैंक यू करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे इतना प्यार कर रहे, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच उनको प्यार करने के लिए। और मैं लगभग आठ महीने के बाद ही वापस आई हूँ गांव, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपको पता है कि आपके नाम पे गांव पे सड़क बनाई जा रही है, उनमें आपके माता पिता मजदूरी कर रहे थे, अब कैसा आपको लग रहा है? ऐसे कुछ नहीं है, घर का स्थिति उतना खास नहीं है कि मेरे पेरेंट्स दे सकते हैं सभी को पैसा, क्योंकि हम लोग 5 भाई बहन हैं, तो अफकोर्स उनको काम करना पड़ेगा। अगर नहीं काम किए तो हम सबके लिए नहीं हो सकता है, तो उनको काम करना पड़ता था। तो मैं इससे कुछ नहीं, उतना सैड नहीं हूँ क्योंकि हमारा यही रोजी रोटी था, तो करना पड़ता है। इधर ले आपके जैसे इन सुदूरवर्ती क्षेत्रों में और भी बच्चियां हैं, वो आपकी तरह बनना चाहती हैं, उनके लिए सरकार से आप क्या मांग करती हैं कि उन लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके? मैं तो सबसे पहले पेरेंट्स को बोलना चाहती हूँ कि उनको खेलने का या तो पढ़ने का, बच्चे को हर चीज में रुचि होता है, ऐसे नहीं है कि सिर्फ स्पोर्ट्स में, तो अगर उनको स्पोर्ट्स में या कुछ चीज में रुचि है तो उन्हें सपोर्ट करें, क्योंकि सबसे पहले उनके पेरेंट्स ही उनका ये होता है, न्यू होता है, तो उनको पेरेंट्स सपोर्ट करें। और मैं सरकार से यही चाहती हूँ कि उनको अच्छा प्लेटफॉर्म दे, उसे सपोर्ट करे, ताकि वे एक दिन अच्छे प्लेयर बन के इंडिया को रिप्रेजेंट करके एक दिन मेडल दे सके। कैसा आपको लग रहा है, इससे पहले आप कई बार घर आ चुके हैं, आज आप वर्ल्ड कप खेलने के बाद वापस आए, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुश हूँ क्योंकि हमको इतना ज्यादा प्यार मिल रहा है, मैं सब सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ, और इतना ज्यादा देख के तो मैं बहुत रियली आपको तो पूरे देश नहीं पूरे विश्व के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, पूरे विश्व के लोग प्यार कर रहे हैं, लेकिन अपना गाँव और पूरे विश्व का क्या अनुभव हुआ, कि क्या अंतर हुआ दोनों में? मुझे गाँव का ज्यादा प्यार मिल रहा है, तो मुझे और ज्यादा बहुत खुशी महसूस हो रहा है, क्योंकि जब भी मैं गांव आती थी तो मुझे इतना ज्यादा प्यार नहीं मिलता था, बट अभी मैं आई हूँ तो इतना ज्यादा प्यार मिल रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ। आप वर्ल्ड कप खेली, फीफा वर्ल्ड कप खेली अंडर 17, इसमें क्या कमी रहा आपके दृष्टिकोण से, चूंकि आप कप्तान थे, क्या ऐसा कमी रह गया जिसे कहीं ना कहीं एक चूक हुई और भारत को हारना पड़ा? हमारी टीम में थोड़ा हम लोग का ऐसे इग्नोरेंस, हमारा स्ट्रेंथ में कोई कमी नहीं था, बट हम लोग उनसे थोड़ा टेक्निकली में हम थोड़े ये थे, बट हम उस पर काम करेंगे तो हम उनसे भी अच्छे हो सकते। आगे आपकी रणनीति क्या होगी? हम लोग कंटिन्यू रखना है और इंडिया को रिप्रेजेंट करके मेडल ले लाना है। आप झारखंड ही, बिशनपुर ही नहीं, गुमला ही नहीं, पूरे देश को ये विश्वास देना चाहेंगे कि अगले बार हम लोग विश्व कप जीत के आएंगे? हम लोग अगले बार अच्छे तैयारी के साथ जाएंगे, अच्छे मोटिवेट के साथ जाएंगे, और आप लोग का प्यार रहेगा तो हम लोग अफकोर्स अच्छे रिजल्ट लाएंगे। अष्टम, एक बात, अंतिम बात ये है कि आप इससे पहले 5 स्टार के चकाचौंध में थे, दुनिया के चकाचौंध में थे, आज पुनः उसी खपड़ेला घर पे आ गए, उसी कच्चा मकान पे आ गए, वो 5 स्टार का चकाचौंध और आज में क्या अंतर लग रहा है आपको? लग रहा है यहाँ पूरा फैमिली है, यहाँ इतने लोग हैं, इतने सपोर्ट कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, तो मुझे उस जगह की याद नहीं आ रही, मुझे घर बहुत अच्छा लग रहा है घर आके वापस, मतलब अपना घर अपना जन्मभूमि सबसे प्यारा जी। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू। एक खेल विश्वविद्यालय हो जिससे कि गांव के प्रतिभा निकल सामने आए, आपको सोना चाहिए ताकि हमारे जैसे बच्चे जो है वो वहाँ पढ़े लिखे और आगे स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जाए और हमारे इलाके का नाम रोशन कर सके। थोड़ा सा चलिए ठीक।
अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।